जनता जो सुन रही होगी वो शर्मसार हो रही होगी, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ लगातार गिर रहा है और आने वाले 2024-25 के चुनाव में इतना ग्राफ गिर जाएगा कि शायद उनकी गिनती 10 के नीचे होने वाली है। हताश और निराश होकर के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सुझाव के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 2027 में, अरे भाई अखिलेश यादव कहाँ आप चले गए, अरे बिहार की बात हो रही है, यहाँ ना आइए। तो आप कभी चले जा रहे हैं यूपी, चले जा रहे हैं कभी, तो हमारा नेशनल चैनल है तो अलग से पूछिएगा तो बता देंगे। अभी हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं और जन सुनवाई का एक वो बात कोई नहीं उठा रहे आप लोग पत्रकार लोग, तो जो बेचारा आता होगा वो निराश होकर जाता होगा। एक पत्रकार को बताइए कि जो जन सुनवाई की कोई बात उठा रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री महोदय से है जन सुनवाई को लेकर, राजद के द्वारा बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना बैठक बुलाती है और उनसे जानिए क्यों बैठक बुला रहे हैं। हम लोग तो मालूम है कि उनको बैठक बुलाने से कोई अब लाभ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि इनके बैठक से बिहार की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब सदन चलता है तो सदन में जाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, सदन में कोई सवाल उठाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, सदन में कोई सवाल जनता के सवालों को उठा नहीं रहे हैं और बाहर रह के मीडिया और प्रेस के सामने अनेक तरह की बात करते हैं। तो जनता जानती है कि हमारे सवालों से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और 2025 के लिए ये पूरा इधर उधर की बात और बैठक कर रहे हैं। ये बिहार की जनता को मालूम है। सर लालू यादव पूछ रही है, अभी बात काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे? लालू यादव रूटीन चेकअप के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्टिव तो नहीं नजर आएंगे तो फिर अखबार और टेलीविजन में चलाइएगा किसे, अखबार और टेलीविजन तक ही उनका सीमित एक्टिविटी रह जाएगा। जनता में कुछ उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो 19 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है और वो काम से बिहार की जनता खुश है, प्रभावित है, और जो बचा हुआ काम है भारत सरकार के द्वारा जो अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे बिहार का जो और भी बचा हुआ काम है वो हम लोग पूरा करेंगे। पीछे से जनता सवाल कह रही है, वित्त नहीं पकड़ेगा, आप चुप रहिएगा। सर मेरा सवाल, आपका सवाल का जवाब देंगे, वित्त रहित का मंत्री यहाँ बैठे हैं, आप क्या हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। हम लोग कितना फ्रंट फुट खेलने पर एनडीए को नुकसान हो सकता है, लालू यादव के फ्रंट फुट पर खेलने पर एनडीए को नुकसान हो सकता है? कुछ नुकसान उनसे नहीं होने वाला है बिहार में। बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता ने उनके 15 साल के शासन को देखा है और बिहार की जनता पूरी सजगता के साथ एनडीए के पक्ष में खड़ा है। भाई ग्रामीण विकास विभाग का आवास के लिए लोग आ रहे हैं, जमीन के लिए लोग आ रहे हैं, तो आवास के लिए भी हमने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है। जमीन नहीं है तो उसका भी सर्वे करा कर उनको जमीन दिया जाएगा। और अभी जो मनरेगा से पौधे लग रहे हैं उसके लिए भी लोग आ रहे हैं, तो सब तरह के काम के लिए आ रहे हैं और संबंधित विभाग के मंत्री से मिल रहे हैं, मिलकर हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं। धन्यवाद।